दोस्तों ये है जगन्नाथपुरी टेम्पल। हम लोग अभी मंदिर के अंदर जाने के लिए काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, तो हम लोग एंट्री गेट पर जा रहे हैं। अगर आप भी कभी जगन्नाथपुरी टेम्पल आने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इवनिंग के टाइम में आए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। मेरे ख्याल से अभी हमें जूता और मोबाइल यहीं पे छोड़कर जाना होगा, वो अंदर ले जाने के लिए अलाउड नहीं है, तो हो सकता है कि मैं मंदिर के अंदर का वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँ। तो मिलते हैं, मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा, फिर आपको बताता हूँ कि कैसा है अंदर का नज़ारा। मोबाइल रखेगा, नाम रखेगा, टोकन देगा, बैग जाते यहाँ पे, इसमें रखते हैं क्या? हाँ, इसी में रखो। तो दोस्तों हम लोग बाहर आ चुके हैं, मंदिर काफ़ी सुंदर है अंदर से, और वहाँ काफ़ी भीड़ भी है। दिन में तो काफ़ी भीड़ होगी, बट एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर अंदर जाएँ तो पुजारियों के संपर्क में बिल्कुल मत आएँ, क्योंकि वो बोलेंगे आपको कि मैं बिल्कुल अंदर भगवान के पास ले जाकर दर्शन कराऊँगा, लेकिन वो भी 20 रुपये में। लेकिन होगी ऐसा कुछ कि प्रसाद जो है वहाँ पे पहले लेने को बोलेंगे, वो 250 से लेके 1.5 लाख रुपए तक के होगा। उसके बाद अगर सपोज आपने 250 रुपए का प्रसाद लिया, तो उसके बाद वो कहेंगे उसमें आप कुछ दक्षिणा डालें, और जितने लोग हैं उतने लोग दक्षिणा डालें। तो सपोज 3 लोग हैं, 300 रुपये डालेंगे, और वो 300 अपने पॉकेट में रखेंगे, वो कहीं भी वो डालेंगे नहीं, और फिर बाद में बोलेंगे आपको लाइन से ही जाना होगा। तो यानी कि पहले आप जो खुद अकेले जो काम कर सकते थे पुजारी के बिना, वो आप पुजारी भी वो काम नहीं करा सका, वो सिर्फ पैसे लेकर चला जाएगा, वो भी लड़ाई भी करेगा कि ऐसा ही होता है, आपको लाइन से ही जाना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल भी पुजारी के संपर्क में ना आए, अकेले जाएं दर्शन करें लाइन में लगकर, तो ही आपको पुण्य मिलेगा।